गाइस वेलकम टू यूनिक कलेक्शन चैनल। कैसे हो सब? आई बहुत अच्छा हूँ। तो आज मैंने लुक क्रिएट किया है ईद पे कि आप जैसा कि आपको पता है ईद आने वाली है और आप मेकअप ढूंढ रहे हो, तो उसी पे मैंने मेकअप किया है। तो आई होप कि ये मेकअप अच्छा लगे। तो ये मैंने मेकअप कैसे किया है, तो ज़्यादा ना बातें करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट गेट स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं टोनर लगा रही हूँ फेस पे, तो देख सकते हैं मैंने टोनर लगाया है फेस पे। इसके बाद मैं अपने लिप्स मॉइस्चराइज कर लूँगी, तो इसलिए मैंने वैसलीन लगाई है। वैसलीन के बाद मैं अपने फेस सीरम लगा रही हूँ, तो रोसिप का ही सीरम लगा रही हूँ, तो देख सकते हैं आप। तो मैं इसको अच्छी तरह मैं अपने फेस पर लगा लूँगी। इसके बाद मैंने मॉइस्चराइजर क्रीम लगाई है बायोटिक की, तो वो देख सकते हैं बायोटिक की मॉइस्चराइजर क्रीम लगाई है। फिर मैं अब सनस्क्रीन लगा रही हूँ, सनस्क्रीन है डर्माडोस की, तो ये SPF 40 है, तो मैं इसे सनस्क्रीन लगा रही हूँ, तो देख सकते हैं। अब मैं प्राइमर लगा रही हूँ, प्राइमर मेरे अनमाइका है, तो ये प्राइमर लगा रही हूँ मैं फेस पे अच्छी तरह, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ओपन पोर्स हैं मेरे ओपन, तो मैंने वहाँ प्राइमर लगा लिया है। अब मैं यहाँ जो भी डार्क सर्कल है उसे मैं कंसील करूँगी, तो मैं ये कंसीलर लगा रही हूँ, तो देख सकते हैं आइज़ के ऊपर, आइज़ के नीचे मैं सारे कंसीलर करूँगी, जो भी डार्क सर्कल है मेरे वो कवरअप हो जाएँ। तो देख सकते हैं मैं इसको अच्छी तरह ब्लेंड करूँगी, तो देख सकते हैं एवन से स्किन हो जाएगी, तब मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी, क्योंकि ये ईद लुक है तो आपका अच्छा सा होना चाहिए। तो देख सकते हैं, और ईद लुक में आप बाहर भी जाएंगे, तो इसलिए मैंने सनस्क्रीन यूज़ की है। तो देख सकते हैं, अब मैं अपनी आईब्रो फिल कर रही हूँ, ये NY की आईब्रो पेंसिल है, तो मैं उसी से फिल कर रही हूँ। और मैंने ली है SFR की आई शैडो पैलेट, तो मैं उससे ब्राउन कलर लिया है, ब्राउन कलर अपनी आईलिड पे लगा लूँगी, थोड़ा सा वार्म में रखूँगी अपना आई लुक, तो देख सकते हैं क्योंकि बाहर जाना है तो इसलिए, तो देख सकते हैं ईद लुक है, आपको बाहर जाना होगा, तो थोड़ा सा मैं वार्मी लुक करूँगी, तो ज़्यादा मैंने हार्ड आई मेकअप नहीं किया है, बिल्कुल ब्राउन शेड लिया है, बस उसी को आईलिड पे लगा लिया है। तो देख सकते हैं बस मेरा आई मेकअप डन हुआ है। इसके बाद मैंने स्टे क्वर्की का फाउंडेशन लिया है, अब उसको मैं अपने फेस पे लगाऊंगी, तो देख सकते हैं क्योंकि मैंने स्किन रूटीन ऑलरेडी कर रखी थी, प्राइमर भी लगा रखा था, तो अब मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। तो देख सकते हैं ये फाउंडेशन बहुत लाइट है और अच्छा लगता है, एक अलग सा ग्लोई फेस लगता है, तो मैं इसको अच्छी तरह मैं ब्लेंड कर लेती हूँ, तो देख सकते हैं। और मेरे को, और मैं हाईलाइट पॉइंट इसको कंसीलर से हाईलाइट कर लूँगी, जो भी मेरे अंडर आइज़ है और नोज़ एरिया है, टी पॉइंट है या लिप्स के पास है, चिन एरिया है, मैं इस पे कंसीलर कर लूँगी, जो भी ये थोड़ा हाईलाइट होएंगे ये एरिया, तो मैंने लाइट कलर का कंसीलर लगाया है, और इसको अच्छी तरह मैं ब्लेंड कर लूँगी, तो देख सकते हैं, तो फेस देख सकते हैं कितना ग्लोई ग्लोई लग रहा है। और इसके बाद मैं लूज़ पाउडर से इसको सेट करूँगी, तो देख सकते हैं तो कंसील हो गया है। और इसके बाद मैं काउंटोर करने वाली हूँ, तो देख सकते हैं काउंटोर के लिए ली है मैंने NY की ही काउंटरिंग, तो देख सकते हैं काउंटोर कर रही हूँ अपने फेस को, कि मुझे पतला अपना फेस दिखाना है, तो देख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी तरह ब्लेंड हो जाता है, तो देख सकते हैं स्टिक की टाइप में, स्टिक टाइप में होता है ये, लिपस्टिक टाइप में, तो ये देख सकते हैं। अब मेरा मैंने काउंटोर कर लिया है, अब इसके बाद मैं लूज़ पाउडर से अपना ये सारा सेट कर लूँगी, फाउंडेशन है जो काउंटोर किया सब मैं सेट कर लूँगी लूज़ पाउडर से, तो देख सकते हैं अब मेरा ऑलमोस्ट सेट हो चुका है। अब मैंने ब्रॉन्जर लिया है, तो ब्रॉन्जर मैं अपने फेस पर ले रही हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम पिंक कलर बिल्कुल नहीं लूँगी, क्योंकि रेड है, तो मैं ब्रॉन्जर कर लूँगी, तो ब्रॉन्जर करूँगी उससे फेस पे, तो मैं ब्लश कर रही थी, तो उसके लिए मैंने ब्रॉन्जर यूज़ किया है, तो ब्रॉन्जर कर रही हूँ मैं फेस पे, देख सकते हैं। अब मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ, तो हाइलाइटर भी मैंने ले लिया है, तो हाईलाइट कर लूँगी, तो देख सकते हैं मेरा फेस, तो ये अच्छा लग रहा होगा आपको, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। तो ये ईद लुक कैसा किया है, मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है। अब मैं आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, स्केच आईलाइनर, तो देख सकते हैं मैं आईलाइनर लगा रही हूँ फेस पे, आईज़ पे, सॉरी मेरी वॉइस ओवर में ना बहुत गलतियाँ होती हैं, तो माफ़ करना, आप खुद समझदार हो कि मैं क्या लगा रही हूँ, समझ जाना यार, इशारा ही बंदे को काफ़ी होता है। तो मैं अब काजल लगा रही हूँ NY का, तो देख सकते हैं अच्छी तरह मैं काजल लगा लूँगी, और काजल लगा के मेरी आंखें देखना कितनी बड़ी बड़ी लग रही हैं,
अब इसके नीचे मैंने ब्राउन शेड लिया है, वही जो आईज़ के ऊपर लगाया था। अब लोअर लेस लाइन के नीचे मैं ब्राउन कलर लगा रही हूँ, तो देख सकते हैं खुद ही फर्क कि लोअर लेस लाइन के नीचे काजल और आई शेडो लगा के ना यार आंखें क्या लगती हैं, खुद ही देख सकते हैं। ये ट्रिक ज़रूर यूज़ करना, ये ट्रिक क्या है, ये ऑलरेडी करते भी हैं, अगर नहीं आप यूज़ करते हैं तो ये ज़रूर करा करो, बहुत अच्छी आंखें लगती हैं। तो अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ मैबलिन का, तो देख सकते हैं मस्कारा लगा रही हूँ और इसको मैं अच्छी तरह लगा लूँगी मस्कारे को। यार मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ ना क्योंकि मेरे को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो सॉरी इसके लिए, क्योंकि फ़ैन चल रहा है ना तो इसलिए आवाज़ उसकी आती है, तो इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, नहीं तो बोल के भी मैं बता सकती थी वीडियो में, तो इसीलिए। तो देख सकते हैं मैंने मस्कारा लगा लिया है और इसके बाद मैं रेड कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ, वही NY की है, शक्ति शक्ति की लिपस्टिक है, रेड कलर शेड नंबर 6 है इसका, तो इसे देख सकते हैं। और ये रेड कलर ना बहुत प्यारा लगता है। अब मैं एयरिंग्स पेयर कर रही हूँ तो देख सकते हैं, और फेक आईलेसेस मैंने सॉरी बताया नहीं, मैंने लगा लिया था ऑफ कैमरा, तो फेक आईलेसेस मैंने लगा लिए थे ऑलरेडी, और मैं हेयर स्टाइल बना लिया है, तो ये देख सकते हैं ये मेरा फाइनल लुक। तो आई होप को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो देख सकते हैं मेरा ऐसा मेकअप फर्स्ट टाइम किया है, तो गाइस मुझे ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो, आई होप को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहूँगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।